हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वन डायमेंशनल मोशन के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी फॉर वन डायमेंशनल मोशन। बट उसके पहले लेट अस हैव अ क्विक रीकैप। जैसे व्हाट इज़ दिस वन डी मोशन, वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है, तो कैसे डिफाइन करते हैं इसको, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट विल चेंज, ओनली वन कोऑर्डिनेट विल चेंज, पाथ कैसा होगा, पाथ इज स्ट्रेट लाइन। देन इन वन डी मोशन यू डील विथ वेक्टर और कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर। तो क्या आंसर है, हम लोग कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर से डील करते हैं। अब कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ऑफ कोर्स। तो पॉजिटिव या नेगेटिव कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर है या नहीं, वो वेक्टर के साथ साथ इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि तुम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्सिस ले रहे हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सो कॉम्पोनेंट डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ एक्सिस। दिस इज इफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वेक्टर, तो इस वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट पॉजिटिव आएगा। बट सेम वेक्टर के लिए इफ यू हैव टेकन दिस टू बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इस केस में एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इज माइनस और नॉट, और यहाँ पे क्या है उसी वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट प्लस। चूंकि हम लोग कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर से डील कर रहे हैं, तो हमेशा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी स्टेप वन इन वन डायमेंशनल मोशन। फर्स्ट स्टेप इज डिफाइन पॉजिटिव एक्सिस। क्यों ये करना चाहिए, बिकॉज यू आर डीलिंग विथ कॉम्पोनेंट, और कॉम्पोनेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। सेकेंड स्टेप, कुछ फॉर्मूला तुम जानते हो वन डायमेंशनल मोशन का, वो फॉर्मूलाज कब यूज कर सकते हैं, जब कैसा एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड हाउ मेनी फॉर्मूलाज, यू नो वी हैव डिस्कस्ड फाइव, विल हैव अ क्विक रिकैप ऑफ दैट ऑल्सो। बट ये पांच फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं, जब मोशन कैसा है, वन डायमेंशनल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो स्टेप टू हमेशा होना चाहिए चेक एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और नॉट। इफ कांस्टेंट यूज एप्रोप्रिएट फॉर्मूला आउट ऑफ फाइव, अदरवाइज अदरवाइज क्या करेंगे, सेटअप डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्व। हमेशा ये चेक करो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है। अगर कांस्टेंट है तो हम लोग पाँच में से जो भी अप्रोप्रिएट है उस क्वेश्चन के लिए वो कोई एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अदरवाइज का मतलब हुआ एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो क्या करना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करना होगा और सॉल्व करना होगा। कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करते हैं, सेटअप डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये
लोग डिस्कस कर चुके हैं डेरिवेशन में, वो जो पांच फार्मूला का डेरिवेशन है या तीन फार्मूला का डेरिवेशन है, उस लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। तो वो पांच फार्मूला क्या-क्या है? एक है वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, दूसरा एक्स माइनस एक्स आई इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तीसरा वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एक्स एक्स माइनस एक्स आई, ये तीन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यू नो फ्रॉम अर्ली डेज। फोर्थ, लेट मी राइट इट इन दिस वे, एक्स माइनस एक्स आई बाई टी इज इक्वल टू वी एक्स प्लस यू एक्स बाई टू, नंबर फोर। एंड नंबर फाइव इज एक्स माइनस एक्स आई इक्वल टू वी एक्स टी माइनस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या अननोन है, उस बेसिस पे इस पांच में से जो भी अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगता है वो यूज़ कर लेना है, अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करना है। और एक और स्टेप जो सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा, थर्ड इज चेक डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस और नॉट, चेक डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस और नॉट। इसका क्या सिग्निफिकेंस है आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, बट राइट दिस डाउन। सो क्या क्या तरीका हुआ, क्या क्या स्टेप हुआ रादर? पहला डिफाइन पॉजिटिव एक्सिस, दूसरा चेक कर लो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, अगर कांस्टेंट है तो पांच में से कोई एक पांच में से जो भी अप्रोप्रिएट फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करके उसको सॉल्व करना है। और लास्ट स्टेप है चेक डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस आर नॉट। नाउ इसको थोड़ा अगर इलैबोरेट करें तीसरे स्टेप को, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस आर नॉट, इसका क्या मतलब? अगर पार्टिकल किसी एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि वो किसी पॉइंट किसी पोजीशन पे पहुंच के अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर ले, ये भी वन डायमेंशनल मोशन ही है। तो इस केस में व्हाट हैपेंस टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस? जब हम लोग ये कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन का जो चेंज है वो क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन हो सकता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इस आइडिया को एक दो प्रॉब्लम में यूज करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट अ रेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल इट रीचेज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। द व्हीकल देन स्लोज एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अंटिल इट स्टॉप्स। ए हाउ मच टाइम इलैप्सेस फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप, बी हाउ फार डज द व्हीकल ट्रैवल फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप। नाउ अब इस क्वेश्चन में क्या कीवर्ड दिख रहा है? सबसे पहले स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सिलरेट्स एट रेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज कॉन्स्टेंट, स्लोज एट कॉन्स्टेंट रेट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत क्लियर है कैसे मोशन का एग्जाम्पल है ये, वन डायमेंशनल मोशन। पहला स्टेप क्या होना चाहिए? डिफाइन पॉजिटिव एक्सिस, सपोज इसको पॉजिटिव एक्सिस मान लें। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल स्पीड 0 है, बेटर होगा यू सबस्क्रिप्ट एक्स लिखना। किस रेट से एक्सेलरेट कर रहा है? ए एक्स इज इक्वल टू 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है अंटिल इट रीचेज द स्पीड ऑफ
20 मीटर, मान लो यहाँ पे वो स्पीड हो गया वी एक्स इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब इस पॉइंट पे ब्रेक अप्लाई करते हैं, तभी तो वो स्लो हो रहा है, स्लो एट कांस्टेंट रेट। तो इस पॉइंट के बियॉन्ड एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है एक्स। अब एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज -1.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अनटिल इट स्टॉप। तो सपोज ये यहाँ पे आके रुक गया, फाइनल स्पीड जीरो है। कितना टाइम इलैप्स हुआ पहला पार्ट, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ से यहाँ तक आने में सपोज टाइम लगता है T1, और यहाँ से यहाँ जाने में अगर टाइम लगता है T2, तो पहला टाइम इंटरवल T1 कैसे निकाल सकते हो? हम लोगों को V पता है, टाइम इस पोजीशन पे जो वेलोसिटी है और वहाँ पे किस टाइम पे पहुँचा T1, एंड इनिशियल वेलोसिटी कितना है जीरो, एक्सिलरेशन कांस्टेंट है। तो अप्रोप्रिएट फॉर्मूला इज वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, 20 इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू टाइम T1। तो T1 कितना हो गया, 10 सेकेंड। नाउ T2 जितने देर में वो रुका, यहाँ अलग से शो कर दे रहे हैं। तो जब तुम टाइम इंटरवल T2 ले रहे हो, तो उसके लिए डिसेलरेशन तो इस पोजीशन से शुरू हुआ है, यहाँ पे स्पीड कितना था 20 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, -1.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फाइनल स्पीड जीरो है। यही फॉर्मूला अप्रोप्रिएट है, फाइनल स्पीड जीरो। नाउ इनिशियल स्पीड फॉर T2, इनिशियल ये स्पीड होगा इस पोजीशन पे, वो 20 के बराबर है, एक्सेलरेशन -1 है इंटू T2। इसको सॉल्व करने पे T2 आता है 20 सेकेंड। टोटल टाइम इलैप्स्ड इज T1 प्लस T2 इक्वल टू 30 सेकेंड। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, हाउ फार डज द व्हीकल ट्रैवल फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप? तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट है S1 लिख लेते हैं, ये कितना डिस्प्लेसमेंट है S2 लिख लेते हैं। अब अप्रोप्रिएट फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू UxT+1/2 AxT2। दोनों सिचुएशन में यूज़ कर लेते हैं। पहला S1 इक्वल टू UX वहाँ है 0 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन है 2, और टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, 10 स्क्वायर, तो ये आ गया 100 मीटर। और सेम फॉर्मूला में S2 क्या हो जाएगा, अब UX कितना हो गया, 20, 20 टाइम इलैप्स्ड है 20 सेकेंड, सो 20 इंटू 20 प्लस वो माइनस हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस है, 1/2 इंटू एक्सेलरेशन -1, तो आई हैव टेकन माइनस साइन है, इंटू टाइम इंटरवल स्क्वायर दैट इज 20 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, पहला 400 माइनस 400/2 इज 200, सो S2 इज इक्वल टू 200 मीटर। टोटल इज S1 प्लस S2 इक्वल टू 300 मीटर। तो ये डिजायर्ड अननोन्स है 300 मीटर, और टोटल टाइम 30 सेकेंड। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ बॉल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सिलरेट्स एट 0.500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाइल मूविंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन 9 मीटर लॉन्ग। तो इस सेंटेंस का मतलब ही क्या हुआ, कैसा एक्सिलरेशन है? एक्सिलरेशन इज दिस मच, कॉन्स्टेंट है, और कैसे मूव कर रहा है पार्टिकल डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, तो ये वन डायमेंशनल मोशन है। When it reaches the bottom, जब वो उस प्लेन के नीचे पहुंचा, the ball rolls up another plane. अब it is going up on another plane where it comes to rest after moving 15 meter on the plane. तो इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ जो इंफॉर्मेशन है,
इसको अगर एक डायग्राम में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? एक बॉल है जो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से वो रोल करना, मूव करना शुरू किया रेस्ट से, तो इनिशियल स्पीड 0 है, और जब नीचे पहुँचा तो कितना स्पीड था उसका वो गिवन नहीं है, किस रेट से, एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन गिवन है, लेट मी राइट इट एज 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.5 है, और ये इंक्लाइन प्लेन कितना लंबा है, ये गिवन है 9 मीटर, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 9 मीटर है। नाउ बॉल रोल्स अप अनदर प्लेन, तो वो कैसा, आइडेंटिकल प्लेन नहीं है ऐसा, इस तरह से कोई दूसरा प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, ऐसा एक प्लेन है। इस प्लेन पे अब ये बॉल ऊपर जाना शुरू करता है, कितना डिस्टेंस, 15 मीटर, तो लेट मी एक्सटेंड दिस, ये कुछ ऐसा एक्सटेंड हो गया, और ये यहाँ पे आके रुकता है व्हेन इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग 15 मीटर, तो ये स्पीड इसका 0 हो गया, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 15 मीटर, ये इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज स्पीड ऑफ बॉल एट बॉटम ऑफ फर्स्ट प्लेन, तो बॉटम ऑफ फर्स्ट प्लेन यहाँ पे कितना स्पीड है, इसके लिए सबसे पहले डिफाइन पॉजिटिव एक्सिस, ये मान लेते हैं पॉजिटिव एक्सिस, फिजिक्स में किसी भी डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव मान सकते हो, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल स्पीड पता है, टाइम नहीं पता है, तो अप्रोप्रिएट फॉर्मूला ये लगता है, यानी Vx² - Ux² = 2ax(x - xi). V, दिस इज वॉट वी हैव टू फाइंड, इनिशियल 0 है, इक्वल टू 2 into ax (½) है, डिस्प्लेसमेंट 9 है, सो हाउ मच इज Vx² = 9, सो हाउ मच इज Vx = 3 m/s, ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा पार्ट, ड्यूरिंग व्हाट टाइम इंटरवल डज द बॉल रोल डाउन द फर्स्ट प्लेन, तो यहाँ कितना टाइम इलैप्स हुआ। अब टाइम निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, Vx = Ux + Ax t, Vx तुम निकाल चुके हो, 3 है, u 0 है, ax (½) है, टाइम या टाइम इंटरवल निकालना है, वो टाइम सपोज टी नॉट मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, t0 = 6 सेकेंड, ये पार्ट बी हो गया। पार्ट सी, व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग सेकेंड प्लेन, अब सेकेंड प्लेन के लिए इनिशियल स्पीड कितना हो गया, जो तुम अभी कैलकुलेट किए 3 m/s, फाइनल स्पीड कितना है, 0, और कितना डिस्प्लेसमेंट है, 15 m, इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, 0² - 0 - 3² = 2 into ax (x) - 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 (x)
इक्वल टू 30 AX, तो AX कितने के बराबर है, -9/30, दिस इज इक्वल टू माइनस, आई मीन ये 3 हो गया, 3/10, 0.3 m/s². माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, मोशन को हेल्प कर रहा है या अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है, तभी तो वो इनिशियल स्पीड 3 था और फाइनल 0 हो गया ना। इस पार्ट में भी लोग ये काम कर सकते थे कि इस मोशन को कंसिडर करने के लिए वो बेटर होता। इधर मान लेते एक्स एक्सिस और एक्सेलरेशन क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग कांस्टेंट मान के सॉल्व कर रहे हैं, तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे। तो यही दो स्टेप तो जनरली तुम यूज़ करते हो, डिफाइन पॉजिटिव एक्सिस, चेक एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और नॉट,
लास्ट पार्ट है, व्हाट इज बॉल स्पीड 8 मीटर अलोंग सेकेंड प्लेन, 8 मीटर अलोंग सेकेंड प्लेन, सेम फॉर्मूला, आई मीन दिस वन, डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर लेना है, तो वी एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज 9 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 3/10 इंटू 8। देखो सॉल्व करके क्या आता है, हाउ मच इज वी एक्स इक्वल टू, वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो ये टर्म कितना हो गया, टेक दिस 9 टू अदर साइड, 9 प्लस 3 इंटू 8 इज, आई मीन नॉट प्लस, माइनस साइन होगा, 9 माइनस 3 इंटू 8, 24/5, 5 LCM ले लो, 45 माइनस 24, 45 माइनस 24 इज 21/5, हाउ मच इज 21/5 इक्वल टू, 21/5, आई एम राइटिंग इट हियर, 21/5 इज इक्वल टू, हाउ मच, 4.2, सो वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4.2, सो हाउ मच इज वी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4.2, कितने के बराबर आएगा चेक कर लो, दिस इज 2.05 मीटर पर सेकेंड, वेरीफाई दैट।